Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है AAI की तरफ से, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट के लिए. ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आता है. मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सिलेक्शन प्रोसेस, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, साथ ही साथ एग्जाम की पैटर्न और इनिशियल इन हैंड सैलरी, जॉब लोकेशन, सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब के लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना. तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं कि AAI मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर वैकेंसी आई है, जो कि ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने. जो आपका पोस्ट रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए, मतलब कि बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, बट उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया. ये मैंने स्पेशली कॉमन कैडर की पोस्ट के लिए बनाया है, जिसका टोटल सीट्स आपका 237 रहने वाला है. ऑलरेडी बताया है कि ग्रुप बी की पोस्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है. तो आइए अब इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स को हम लोग जान लेते हैं. आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 5 अगस्त 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 4 सितंबर 2023 रहने वाला है. एज लिमिट की अगर बात करें तो ये और एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 4 सितंबर 2023 एज यू कैन सी. और मैक्सिमम एज इसके लिए 27 ईयर्स रखा गया, और मिनिमम तो हर किसी को पता है, नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई नहीं किया गया है, बट नॉर्मली आप समझ ही सकते हो कि 18 ईयर्स प्लस वालों का ही फॉर्म अप्लाई यहाँ पे होता है. आओ फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्म की फी देख लेते हैं. जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपीज लिया जाता है. एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे कोई भी चार्जेज यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो सिंपल सा एक क्वालिफिकेशन है कि अगर आप ग्रेजुएट हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कोई सा भी स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, व्हाट इज योर परसेंटेज डजंट मैटर, बस आप ग्रेजुएट हो इतना काफ़ी है. हाँ, अपियरिंग कैंडिडेट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हो. अगर आपका रिजल्ट 4 सितंबर 2023 के पहले आ जाता है तो आप अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. सिलेक्शन की प्रोसेस की अब हम लोग जान लेते हैं. तो यहाँ पे ना आपका सिलेक्शन बहुत ही इजी रहने वाला है. सिंगल स्टेज एग्जाम बेसिस होगा, नो निगेटिव मार्किंग. एंड चलो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है डिपेंडेबल रहेगा ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर. उसके बाद सिंपली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर यूं बोले कि आपके एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन की जाती है. तो आइए, जैसा कि बता दिया सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है, तो एग्जाम की पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं. जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा 150 मार्क्स के लिए, एंड आपका टाइम यहाँ पे 2 आवर्स का रखा गया, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है. सो चलिए सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है. रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए. सो ये तो रहे फ्रेंड्स आपकी एग्जाम की पैटर्न. तो अब इसमें जाके आपका बनेगा कट ऑफ, उससे आपका होगा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी. आपके मन में क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि मैम, ग्रुप बी की पोस्ट है तो सैलरी क्या रहेगी? ऑब्वियस ही बात है, ग्रुप बी की पोस्ट है तो आपकी जो सैलरी होगी ना 40,000 से लेके आपका 1,40,000, मतलब कि जब आप ज्वाइन करते हो ना तो 40,000 से स्टार्टिंग होता है, और जब आप रिटायर होके आते हो उस टाइम तक आपकी सैलरी ना 1,40,000 हो जाता है. हर साल अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है इसमें, अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस देखने को मिल जाते हैं. एंड रही बात फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर की, तो आपका एग्जाम सेंटर ना ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है.
जॉब की लोकेशन भी आपको ऑल ओवर इंडिया में रहेगी एज पर अलोकेटेड बाई AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे भी आपको बताया जाएगा आपको वहां पे सर्व करना पड़ सकता है उस लोकेशन पे, इंडिया के अंदर ही आपको सर्व करना होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट और वर्क क्या क्या आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट होता है आपका ऑपरेशंस के अंडर वर्क करना होता है, कमर्शियल वर्क, लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कॉरपोरेट प्लानिंग मैनेजमेंट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कि ओवरऑल ये मानिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होता है तो उसको चलाने के लिए, आप नेशनल लेवल पे है तो उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके अंडर आपको काम करना पड़ रहा है, उसका लैंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कैसे क्या वर्क हो रहा है सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो उसी के अंडर आपको जो वर्क दिया जाएगा वो आपको करना रहेगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताए हैं AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो फर्स्ट वीडियो था ना उसमें एग्जाम की पैटर्न नहीं आई थी, तो अभी ऑफिशियली पैटर्न आ गया तो मैंने आपको बता भी दिया है, और इसका एग्जाम पैटर्न ना मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगी। और अगर इसके बाद भी फ्रेंड्स आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना है, मैं वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज अगर और भी ज्यादा आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाओ वहां पे भी आप मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। और अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो तो भर भर के इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना इस इंफॉर्मेटिव जॉब रिक्रूटमेंट की जो वीडियो है उसको। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।